मेडिकल प्रिपरेशन, बाप रे बाप। आज हम लोग गांधी घाट का जो आइलैंड है गंगा नदी के उस साइड, उस आइलैंड पे जा रहे हैं। वहां जाते हैं, देखते हैं, सब लोग नौ से जा रहे हैं उस साइड। वहां का फुल व्यू आपको बताएंगे, कैसा वहां माहौल रहता है, कैसे लोग एंजॉय करते हैं, कहां कहां से लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, कैसा जगह, क्या क्या फैसिलिटी वहाँ मिल जाती है। हम लोग देखिए आ गए आइलैंड पे। आइलैंड पे काफ़ी भैया आए घूमने के लिए। भैया का आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत शाही हुआ और हम औरंगाबाद से आए हुए हैं। भैया औरंगाबाद से घूमने के लिए आए हैं पटना। औरंगाबाद वार्ड नंबर 25 से हम प्रेजेंट में भी पार्षद भी हैं। भैया वार्ड पार्षद भी हैं और यहाँ आए। भैया मज़ा आ रहा है यहाँ? बहुत मज़ा आ रहा है। टूरिस्ट के लिए बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। इस तरह का लुत्फ उठाने के लिए लोग दीघा जाते हैं कोलकाता। हाँ, सरकार से निवेदन रहेगा कि पटना में भी दीघा का और दीघा के तरह इसको और बढ़िया से और डेवलप कर दिया जाए, करे जो लोग दूर दूर से यहाँ तक भी आए, यहाँ जो घूमने आते हैं उनको कुछ पुलिस प्रशासन फोर्स के द्वारा सिक्योरिटी के लिए और निगरानी भी कराया जाए और बाकी सब कुछ ठीक है। किसी भी तरह का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, कपल को, परिवार को। सब संडे मनाने लोग ज़्यादा, काफ़ी भीड़ यहाँ संडे को ही होता है और पटनावासी पटना में ही है ये, इसके चलते नज़दीक होने के कारण सब लोग पिकनिक मनाने आते हैं और खुशी खुशी पिकनिक मना करके यहाँ से जाते हैं। पिकनिक के लिए जबरदस्त स्पॉट बहुत बढ़िया है। संडे को आप आके भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एंजॉय फैमिली के साथ, वही ना, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, साथ में दिक्कत नहीं। आप लोग कितने देर से घूम रहे हो यहाँ? हम लोग 4 घंटा से घूम रहे हैं। चार बताइए, 8 बजे हम लोग को जाना है। अच्छा, सोचे कहाँ जाएं, संडे है, ठंडा का मौसम है, चलिए देखते हैं उस साइड। नहीं नहीं भैया, बहुत अच्छा किए, यहाँ घूम लिया। जाइएगा तो पटना को याद कीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ऐसे भी पटना में रहते ही। अच्छा भैया पटना। हाँ। भैया आपका नाम क्या है? पिंटू प्रिंस मेरा नाम है। भैया पिंटू प्रिंस है, भैया भी भैया के साथ है, औरंगाबाद से ही घूमने के लिए आए हैं। हमने पापा को दिखाने आए हैं तो डॉक्टर बोले कि 8 बजे उनका चेकअप होगा, तो हम लोग 12 बजे से निकल के घूम ही रहे। सही है, टाइम पास हो गया आराम से ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता कहाँ रहता 4-4 घंटा। यहाँ हॉल भी बंद है, मॉल भी बंद, सब कुछ तो बंद ही है। खुली में सांस भी नहीं ले सकते, यही सांस लेने के लिए आजादी है। वो भी हम जान नहीं रहे थे, रंजीत भैया के कारण हम आ गए हैं। रंजीत भैया बोले चलो एक जगह पे घुमा देते हैं, तो नाव से द्वारा आए। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, कितने बजे तक लोग आते हैं? हम यहाँ भैंस चल आते हैं, हम भरत ये रहते हैं। रात में भी यहीं रहते हो? हाँ। पूरी रात? हाँ भैया। लोग कब कब आते हैं? लेकिन आदमी है, जनता लोग 7 बजे चालू ना आने जाने में। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से आना स्टार्ट हो जाता है। और रात में? रात में वही 6 बजे तक बंद हो जाता है। अच्छा, रात में 6 बजे तक बंद हो जाता है, सुबह में 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लोग आना जाना स्टार्ट कर देते ना। 6 बजे रात होता है ना। हाँ। आदमी का दाल पार के उस पर आदमी बैठा दे। अच्छा, अब यहाँ कब से दुकान कर रहे हो भैया? भैया 11 से दुकान कर रहे। 11 से? लेकिन यहाँ लोग सब बहुत आते हैं ना? बहुत सा आता है घूमने के लिए, तो लोग बहुत आते हैं। देखते हैं नहीं कितने आदमी आया गया। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, बहुत लोग आते हैं। चलिए भैया ठीक है। राजेश कुमार। कहाँ से आए हो? अरवल डिस्ट्रिक्ट से। अरवल से आए हो? अरवल डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। जहानाबाद स्टडी करने के लिए पटना में रहते हो? यहाँ एंजॉय करने के लिए? बहुत मस्ती हो रहा ना, मज़ा आ रहा है ना। ये आप गोवा का लेटेस्ट मॉडल कह लीजिए या अप टू डेट नहीं हुआ ना। नहीं तो घूमने फिरने के लिए बहुत है ना, संडे संडे को बहुत लोग आते हैं ना। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप? नेवी का करते हैं। नेवी का कर रहे हो? भैया आप रेलवे ग्रुप डी। ग्रुप डी का? अभी तो वैकेंसी भी आई हुई है, पेपर भी होने का चांस है ना। NTPC का नहीं कर किए थे? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? जहानाबाद से। पटना में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं स्टडी करने के लिए, है ना। और ये टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है ना। चलिए ठीक है, मिलकर बढ़िया लगा।
थैंक यू भैया। आप YouTube पे देख मजाक करते हैं देख। आप अपना नाम बताओ। मधु। आप कहाँ से आया? पटना में ही रहती हूँ। पहली बार आया? नहीं, मैं पटना में ही रहती हूँ। अच्छा, यहाँ आइलैंड पे पहली बार आया? हाँ जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? मेरा 12th हो गया, मेडिकल प्रिपरेशन। मेडिकल प्रिपरेशन? बाप रे बाप रे बाप, नीट वाले स्टूडेंट हो। ओ, आपकी फेस ही बता रही थी। कितना एक्साइटमेंट है यहाँ? है, बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे घूम रहे, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम आपके साथ एक गेम खेलें, सिंपल सा क्वेश्चन का। हम आपको जो पूछेंगे उसका गलत जवाब देना है। गलत जवाब? हाँ, सही नहीं बोलना है, गलत बोलना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आपने तो सही जवाब दे दिया, बताओ। बोल दिया ना आप सही। अच्छा, आप अपना नाम बताओ। रिया। कहाँ रहते हो? मुंबई। यहाँ क्यों आए हो? बस गया। मोबाइल बता। सोने के लिए? अच्छा, यहाँ पटना में तो आप रहते हो, तो पटना का सारा लोकेलिटी आपको पता होगा ना? नहीं, नहीं पता। अच्छा, पढ़ाकू स्टैंड को, स्टूडेंट को ये सब कहाँ पता रहेगा, घूमने उमने का चक्कर ना? नहीं। ये क्या बात है। अच्छा, पटना का क्या चीज़ फेमस है? हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग दूसरे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं। फेमस? अच्छा, आपका फेवरेट फूड क्या है? चिप्स या लेस? चिप्स। कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े? टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े, अच्छा। चलिए, बढ़िया लगा आपसे। अच्छा, हम आपको अभी कुरकुरे दे या लेस चिप्स? कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं, मेरे पास है, बंद कर ले। लीजिए, आपने सही जवाब दिया इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। फिर से कभी मिलेंगे। शाम के 5:30 बज गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वापस गांधी घाट के तरफ। यहाँ आइलैंड पे लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं। कोई घूमने के पर्पज़ से पटना आए तो आइलैंड पे ज़रूर आए, बहुत बढ़िया है घूमने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए। ये आइलैंड बहुत बढ़िया जगह है, आप लोग भी आके एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने देखा है वीडियो में, जितने लोगों से मैंने पूछा सब लोग इसका पॉजिटिव व्यू ही दिया। तो अब चलते हैं गांधी घाट की तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं, ख़त्म हो गई उस साइड से आगे घूम के, गंगा घाट से वापस जा रहे हैं घर।